मैक लेयर। मैक लेयर में हम देख रहे हैं सबसे पहले यूई और इनोडबी के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है, कौन कौन सा प्रोटोकॉल कैसा कम्युनिकेशन होता है। यूई के प्रोटोकॉल स्टैक हो गए आपके नास लेयर, पीडीसीपी, आरएलसी, आरएलसी, आरआरसी, मैक एंड फिजिकल। और इनोडबी के एंड में पीडीसीपी, आरआरसी, आरएलसी, मैक एंड फिजिकल। अब आपका जो ये कंट्रोल प्लेन है ये सिग्नलिंग होता है, यूजर प्लेन आपका डेटा का ट्रांसमिशन होता है, पहले भी बता रखा है मैंने। अब देख रहे हो आपकी यूई और एमएमई जो कम्युनिकेशन करते हैं वो नास लेयर के थ्रू करते हैं, मतलब मैसेज जो ट्रांसमिशन होता है इनोडबी के बाया होता है, बट डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है यूई और एमएमई के बीच में नास लेयर के थ्रू। पीडीसीपी और पीडीसीपी के बीच में कम्युनिकेशन होता है, तो इनके बीच में यूजर प्लेन और कंट्रोल प्लेन दोनों होता है, मतलब जो डेटा का ट्रांसमिशन होता है वो भी होता है और सिग्नलिंग भी होती है। आरआरसी लेयर में ओनली कंट्रोल प्लेन मतलब सिग्नलिंग के लिए यूज होता है यूई और इनोडबी के बीच में। तो ये आपका कंट्रोल प्लेन है, सिग्नलिंग का काम करता है ओनली आरआरसी लेयर। अब आरएलसी लेयर, आरएलसी में भी आपका डेटा ट्रांसमिशन और मतलब यूजर प्लेन कंट्रोल प्लेन दोनों होता है, सिग्नलिंग के लिए और डेटा ट्रांसमिशन दोनों के लिए। बस दो ही लेयर एक ऐसी है आपकी नास और आरआरसी, वो केवल सिग्नलिंग करती है। तो ये नास देख रहे हो, नास लेयर में आपका केवल नास लेयर यूई और एमएमई के बीच में कम्युनिकेशन करता है, और आरआरसी लेयर आरआरसी और यूई और इनोडबी के बीच में। अभी इट शुड बी नोट दैट मैक प्रोटोकॉल इज अवेलेबल फॉर बोथ यूजर प्लेन, ये मैंने आपको पहले बता दिया। मैक लेयर में जो है सिग्नलिंग और डेटा का ट्रांसमिशन दोनों होता है, मतलब ये कंट्रोल प्लेन और यूजर प्लेन दोनों होता है इसमें। वनली आपका नास लेयर और आरआरसी लेयर ऐसी लेयर हैं जो कि केवल सिग्नलिंग का काम करती है, बाकी तीनों लेयर जो है आपकी वो कंट्रोल प्लस सिग्नलिंग, कंट्रोल प्लेन प्लस यूजर प्लेन दोनों का काम करती है। अब यहाँ पे देख रहा है कि बता रहा है कि फॉर एग्जांपल आरआरसी टेल्स मैक टू कॉन्फ़िगर ए स्पेसिफिक पीडीयू साइज, मतलब जो हमारा ये मैक लेयर है तो मैक का आरआरसी उसको एक तरह से पिंग करेगा कि किस साइज का उसको पीडीयू बनाना है। आगे देखते हैं हम डायग्राम के थ्रू। पैकेट रिसीव्ड बाय ए लेयर आर कॉल्ड सर्विस डेटा यूनिट, मतलब ये देखो आप, जैसे ये ऊपर आपका पीडीसीपी एसडीयू, ये पीडीसीपी लेयर हो गई, इसका ये एसडीयू है सर्विस डेटा यूनिट, और इस पे जब हेडर लग जाएगा पीडीसीपी हेडर लग जाएगा तो वो हो जाएगा पीडीसीपी पीडीयू, पैकेट डेटा यूनिट प्रोटोकॉल डेटा यूनिट हो जाएगा आपका पीडीयू। तो ये यहाँ पे वही एक्सप्लेन किया है कि ये पीडीसीपी, ये आपका पीडीसीपी एसडीयू हो गया, इसमें हेडर लगने के बाद ये पीडीसीपी पीडीयू हो गया। अब यही वाला पीडीसीपी पीडीयू आरएलसी लेयर के लिए एसडीयू रहेगा सर्विस डेटा यूनिट, और इसमें जब हेडर ऐड हो जाएगा, हेडर लग जाएगा तो वो पीडीयू बन जाएगा। तो ये बाकी लेयर में भी सेम ऐसा होता है, हेडर अपने अपने हेडर सारे लेयर लगाते हैं। जैसे कि आप अपलिंक के केस में क्या होता है कि पीडीसीपी डेटा भेजता है आरएलसी के पास, आरएलसी मैक रिक्वेस्ट करता है आरएलसी की डेटा चाहिए, तो ये मैक लेयर भेजता है फिर फिजिकल को, इस तरह से ये ट्रांसपोर्ट ब्लॉक साइज बना के भेजता है फिजिकल के बाद, और फिजिकल में फ्रेम बाय फ्रेम फिर दूसरे इंड में सेंड होता है। तो ये एसडीयू और पीडीयू समझ में आ गया आपको। अब देखते हैं हम मैक का आर्किटेक्चर, मैक जो लेयर है उसका आर्किटेक्चर। तो देखो आप, जो मैक में पीसीसीएच और पीसीएच, इन दोनों में जो पेजिंग होता है वो पीसीसीएच और पीसीएच,
चैनल के थ्रू होता है, MCCH, और इनकी जो मैपिंग होती है MCCH की मल्टीप्लेक्सिंग के बाद MCH, MTCH डी मल्टीप्लेक्सिंग होती है, और उसके बाद में आपका ये BCH हो गया, DLSC, इसका इस तरह से मैपिंग होती है। HARQ हो गया आपका, डी मल्टीप्लेक्सिंग होता है इसमें। तो ये आपका आर्किटेक्चर का मैपिंग हो गया। मल्टीप्लेक्सिंग डीप मल्टीप्लेक्सिंग क्या है वो डीप में भी देखते हैं, समझते हैं। मल्टीप्लेक्सिंग एंड डी मल्टीप्लेक्सिंग एंटिटी चार्ज ऑफ कंपोजिंग एंड डी कंपोजिंग द मैक पीडीयू एंड परफॉर्म डी मल्टीप्लेक्सिंग ऑफ डेटा सर लॉजिक चैनल इनटू वन ट्रांसपोर्ट ब्लॉक चैनल। मतलब ये बोलने का मतलब ये है कि जैसे आपका ये RLC लेयर है, RLC से डेटा आएगा मैक लेयर के पास। अब मैक लेयर के पास आएगा सपोज एक स्टैंडर्ड साइज में बनाने के लिए, तो वो कंप्रेस डिकम्प्रेस मल्टीप्लेक्सिंग डिप्लेक्सिंग करके कोडिंग उसको अपर लेयर और लोअर लेयर के केस में सेंड करेगा। अब ये लॉजिकल चैनल प्रायोरिटाइजेशन ये है कि मतलब समझ लो आप कि उसका प्रायोरिटाइजेशन की पहले कौन सा डेटा सेंड होना है वो है लॉजिकल चैनल प्रायोरिटाइजेशन। मतलब RLC का जो इन्फॉर्मेशन है, कौन सी इन्फॉर्मेशन पहले ट्रांसफर होगी वो प्रायोरिटाइजेशन है। बाकी ये स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लेना आप। और HARQ क्या है, HARQ हमने बता रखा आपको, और ARQ HARQ दोनों पिछली बार बता के रखा था कि उसमें कैसे एक नैक सेंड करता है डायग्राम के थ्रू, तो वही वाला कॉन्सेप्ट आप याद रखना। कंट्रोल एंटिटी में क्या होता है, कंट्रोल एंटिटी में आपका इंक्लूडिंग DRX होता है, जैसे कि DRX डिस्कंटिन्यू एक्सेप्शन, ये हम आगे देखेंगे फिर डीप में। और इसके मैक लेयर के फंक्शन क्या होते हैं, मैक लेयर परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन, पहले फंक्शन में पहला मैपिंग बिटवीन लॉजिकल चैनल एंड ट्रांसपोर्ट चैनल, मल्टीप्लेक्सिंग ऑफ मैक SDU, मैक के जो SDU होते हैं उसको मल्टीप्लेक्स करता है, और डी मल्टी अपलिंक केस में डी मल्टीप्लेक्स करेगा डिफरेंट लॉजिकल चैनल। जैसे कि हमने बताया आपको कि एक ट्रांसपोर्ट ब्लॉक के साइज में बना देता है, डिलीवर टू फिजिकल लेयर, मतलब एक ट्रांसपोर्ट ब्लॉक साइज बनता है कोई इंफॉर्मेशन, जैसे कि आपका ये मैक लेयर हो गया, मैक लेयर से फिजिकल लेयर में जाएगी, तो फिजिकल लेयर में ये ट्रांसपोर्ट ब्लॉक साइज बना के भेजेगा, तो ये कुछ इंफॉर्मेशन या तो ऐड कर देगा या फिर उसको मतलब कोई एक स्टैंडर्ड साइज में बना के डेटा को फिर सेंड करेगा। एरर करेक्शन थ्रू HARQ, HARQ हमने बताया थे आपको, HARQ होता है ऐसे, एरर करेक्शन इसके थ्रू होता है। मैक लेयर क्या क्या परफॉर्म करता है, तो ये यहाँ पे ब्रीफ में थोड़ा सा डिस्क्राइब किया है कि रैंडम एक्सेस प्रोसीजर होता है मैक में, DLSCH डेटा ट्रांसफर होता है, ULSCH डेटा ट्रांसफर, पेजिंग होती है, पेजिंग रिसेप्शन होता है, BCH रिसेप्शन होता है, डिसकंटिन्यूअस रिसेप्शन होता है, मैक रिकन्फिग्रेशन, मैक रिसेट, ये इसके फंक्शन हो गए। अब मैक में जो मैक का जो हेडर होता है वो किस तरह से होता है वो बता रहा हूँ आपको। तो ये मैक का हेडर हो गया। अब मैक में जो ये रैंडम एक्सेस रिस्पॉन्स होता है, ये मैक का रैंडम एक्सेस रिस्पॉन्स होगा, और मैक का ये हेडर, मैक के हेडर में क्या होता है, ये क्या आता है आपका, ये एक्सटेंशन बिट हो गया, ये टाइम हो गया आपका, ये बैक ऑफ इंडिकेटर हो गया, मतलब जो रैंडम एक्सेस रिस्पॉन्स होता है आता है उसमें कई बार बैक ऑफ इंडिकेटर आता है। बैक ऑफ इंडिकेटर क्या होता है, एक तरह से ये बैक ऑफ इंडिकेटर का मतलब ये हो गया कि आपको इतने टाइम के लिए वेट करना है रैंडम एक्सेस रिस्पॉन्स के लिए, पीरेच के लिए, नेक्स्ट पीरेच के लिए उसको इतने टाइम तक वेट करना है, वो होता है शॉर्ट में आप समझो कि बैक ऑफ इंडिकेटर। अब जैसे सपोज बैक ऑफ इंडिकेटर में आया 2, मतलब उसको 20 मिलीसेकंड तक वेट करना है। बैक ऑफ इंडिकेटर 9 आया, मतलब उसको 240 मिलीसेकंड तक वेट करना है। तो इस तरह से आपका
डेटा का ट्रांसमिशन होता है कि पीडीसीपी से अपलिंक के केस में पीडीसीपी से आरएलसी, आरएलसी मैक, मैक से फिजिकल, और अपलिंक के केस में फिजिकल टू मैक, मैक टू आरएलसी, आरएलसी टू पीडीसीपी। तो मोटा मोटी आपको इतना डीप में ये लेयर्स के बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप ये पढ़ लो पीडीसीपी लेयर क्या होती है, इसके बेसिक फंक्शन क्या होते हैं, आरएलसी क्या होती है, इसके बेसिक फंक्शन क्या होते हैं। जैसे मैक हमने पढ़ लिया, मैक में के बेसिक फंक्शंस क्या होते हैं और फिजिकल लेयर के बेसिक फंक्शंस क्या होते हैं। और सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट पढ़ना है आपको आरआरसी लेयर और नास लेयर, आरआरसी लेयर के डीप में पढ़ेंगे हम और उसी तरह से नास लेयर का डीप में पढ़ेंगे, क्योंकि हम वो सिग्नलिंग पार्ट होता है सबसे इंपॉर्टेंट, वही होता है, वही भी उस क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यू में मैक्सिमम वही। तो हम पीछे से पढ़ रहे हैं, जैसे कि फिजिकल पढ़ा हमने, लोअर लेयर से अपर लेयर की तरफ जा रहे हैं। कभी कभी इंटरव्यू में पूछ भी देता कि लोअर लेयर कौन सी होती है, तो आप बताओ फिजिकल लेयर होती है और अपर लेयर आपकी नास लेयर होती है। तो ये लोअर लेयर अपर, कई बार पूछता कि लोअर लेयर कौन सी होती है, फिजिकल लेयर, फिजिकल लेयर की अपर लेयर कौन ही है, मैक लेयर, और मैक लेयर की लोअर लेयर कौन है, तो फिजिकल लेयर, और मैक लेयर की अपर लेयर आरएलसी लेयर।